हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटल सेफ्टी कोड्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने आर्मी में देखा होगा, हमेशा एक कोडवर्ड में बातें की जाती है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ताकि पर्टिकुलर उसी पर्सन को वह इन्फॉर्मेशन शेयर हो। ठीक उसी प्रकार हम हॉस्पिटल में भी कुछ कोड्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए। उस कंडीशन में यदि हम ऐसे अनाउंस करें कि हॉस्पिटल में आग लग गई है, तो क्या होगा, अफरा तफरी भागदौड़ ज़्यादा मच जाएगी। तो उस कंडीशन में हम कोड, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर कोड होता है, वो हम यूज़ करते हैं, जिससे उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर हो जिनको यह कोड का मीन्स पता हो। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कौन सा कोड किस लिए यूज़ किया जाता है और कब अनाउंस होता है। अब हम देखेंगे हॉस्पिटल सेफ्टी कोड्स। जो फर्स्ट कोड है हमारा, वो है कोड ब्लू। कोड ब्लू इज़ अनाउंस फॉर कार्डियक अरेस्ट। जब भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होता है, या पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या पेशेंट अनकॉन्सियस है, उस कंडीशन में हम कोड ब्लू अनाउंस करवाते हैं। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो कोड ब्लू टीम और सिक्योरिटी गार्ड की रहती है। जो कोड ब्लू टीम रहती है, उसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीसियन और अटेंडर शामिल रहते हैं। देन हाउ टू इन्फॉर्म और एक्टिवेट कोड। हमें कोड एक्टिवेट कैसे करना है। कॉल अ पार्टिकुलर नंबर, फॉर एग्जांपल 123। हर एक हॉस्पिटल का अपना एक कोड वाला नंबर रहता है, उस नंबर पे हमें लैंडलाइन से कॉल करके कोड एक्टिवेट करवाना रहता है। सपोज़ हॉस्पिटल का जो नंबर है वो है 123 है, उस पर हमें कॉल करना है और एग्जैक्ट जो कोड हमें अनाउंस करवाना है उसका नेम बताना है, जैसे कोड ब्लू अनाउंस करवाना है, और हमें उसकी लोकेशन बताना है, हम कौन से वार्ड से बोल रहे हैं, जैसे मेन मेडिसिन से बोल रहे हैं या सर्जरी वार्ड से बोल रहे हैं, और यूनिट भी मेंशन करना है साथ में। उसके साथ में हमें यह भी मेंशन करना है कि हम किस फ्लोर से बोल रहे हैं। इस तरह हमें ये जो सेंटेंस है वो तीन बार रिपीट करना है। तीन बार रिपीट हम इसलिए करते हैं, कभी कभी जो लैंडलाइन फ़ोन रहता है उसमें वॉइस कम आती है, तो हमें इस कंडीशन में 3 टाइम उसको रिपीट करना रहता है, ताकि जो रिसेप्शन पे पर्सन है वो इजीली सुन ले और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देन हमारा जो सेकेंड कोड आता है, वो आता है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक इज़ अनाउंस फॉर बॉम्ब ब्लास्ट सिचुएशन। जब भी बॉम्ब ब्लास्ट की सिचुएशन रहती है, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, कोड ब्लैक यूज़ करते हैं। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सिक्योरिटी की रहती है। सिक्योरिटी वगैरह आते हैं, चेक करते हैं, सपोज़ हमें कोई संदिग्ध बैग वगैरह मिलता है तो उसको वो सिक्योरिटी चेक करती है। इस कंडीशन में भी हमें सेम जो हॉस्पिटल का नंबर रहता है उस पर कॉल करना है और उसी तरह 3 टाइम रिपीट करके हमें अनाउंस करवाना है। देन आता है कोड रेड। कोड रेड इज़ अनाउंस इन केस ऑफ फायर। यदि हॉस्पिटल में कहीं पे भी आग वगैरह लग जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कोड रेड अनाउंस करवाना है। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सिक्योरिटी और इंडिविजुअल, मतलब हर एक एम्प्लॉयज़ की रहती है जो हॉस्पिटल में वर्किंग है। फॉलो द प्रोसीजर ऑफ रेस पास। इसमें हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको हम रेस पास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रेस पास क्या होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट कोड आता है वो है कोड येल्लो। कोड येल्लो इज़ अनाउंस फॉर डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लूड्स, हॉस्पिटल फिजिकल डैमेज। जब भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कोई भी फिजिकल डैमेज वगैरह हुआ हॉस्पिटल को, उस कंडीशन में हम कोड येलो अनाउंस करवाएंगे। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सिक्योरिटी की रहेगी और ओवरऑल हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उनकी रहेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज़ अर्थक्वेक, भूकंप आ गया है, तो हमें हॉस्पिटल खाली करके जो भी हमारा सेफ जोन रहता है उस एरिया में जाना है, या फिर बाढ़ आ जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें टेरिस पे शिफ्ट करना रहता है। जो भी हमारा सपोज़ ग्राउंड फ्लोर है वो पानी से भर जाता है, तो हमें टेरिस पे शिफ्ट करना रहता है। देन हमारा आता है कोड पिंक। कोड पिंक इज़ अनाउंस फॉर चाइल्ड एबडक्शन, मतलब जब भी बच्चा गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोड पिंक अनाउंस करते हैं। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो केस की सिक्योरिटी की रहेगी। इसमें क्या होता है, जब कोड पिंक अनाउंस रहता है तो हमें जितने भी एग्जिट और एंट्री वाले डोर है उन सबको क्लोज करना है, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ पाए और जो अंदर व्यक्ति है वो बाहर ना जा पाए। देन हमारा लास्ट कोड आता है, वो है कोड वॉयलेट। कोड वॉयलेट इज़ अनाउंस फॉर वॉयलेंस हैपन इन द हॉस्पिटल। जब भी ऐसा कोई वॉयलेंस वगैरह हॉस्पिटल में होता है, लड़ाई झगड़ा पेशेंट का आपस में, या पेशेंट का डॉक्टर के साथ, या किसी स्टाफ के साथ, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोड वायलेट अनाउंस करवाते हैं। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सिक्योरिटी की रहती है। फॉर डी एक्टिवेट कोड्स, हमने कोड जो अनाउंस करवाए हैं उसको कुछ टाइम बाद हमें डी एक्टिवेट भी करवाना पड़ता है। जैसे हमने कोड ब्लू अनाउंस करवाया है, उसके बाद में जब पेशेंट रिवाइव हो गया, या फिर हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया, उसके बाद में जो कोड ब्लू हमने अनाउंस करवाया था उसको डी एक्टिवेट भी करवाना रहता है। सेम उसी नंबर पे कॉल करेंगे जिस नंबर पे हमने एक्टिवेट करवाने के लिए कॉल किया था,
और हमें बोलना है कि प्लीज़ क्लोज द कोड और कोड का नेम बताना है हमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।